एमजीपी रोड खंड से संबंधित जितने विद्यालय हैं महाविद्यालय हैं सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। बीए बीएससी बीकॉम जिसके पास भी मिलिट्री साइंस है तो उसके लिए भी वीडियो मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके कुछ वीडियो लोड हो चुके हैं, प्ले स्टोर जाकर आप वेट कर सकते हैं और वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन फिर शुरू करते हैं आप और यूनिट वाइज चला रहे हैं। ये हमारी फोर्थ यूनिट है और इसमें 4 यूनिट बची हुई है, बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। पार्ट फर्स्ट था ये, तो इसमें बताने आ सकता है आपको यही है कि बीए पार्ट सेकंड ईयर कहते हैं इसके लिए और इस सेमेस्टर 4 है आपका। पेपर का नाम आपका ये है स्ट्रेटेजिक थॉट यानी कि रणनीतिक चिंतन, ये आपका कोड रहेगा। क्वेश्चन इसमें आपके दिए हुए हैं यूनिट 4 से, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप और वो भी हैं आपके एमसीक्यू यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन कहते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे हम, जानेंगे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन जो कम्प्लीट किए गए हैं वो मात्से के गोरिल्ला युद्ध के बारे में क्या विचार हैं कि जो गोरिल्ला युद्ध हुआ या गोरिल्ला जो टुकड़ी बनती है सेना में तो वो किसकी देन है और ये किस देश के रहने वाले हैं, किस देश के नागरिक थे, ये सारी चीज़ें जानेंगे हम इस वीडियो के अंतर्गत। तो आइए शुरू करते हैं समय नष्ट ना करते हुए वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा है किस सैन्य शास्त्री या सैन्य अधिकारी या सैन्य विचारक, ठीक है, सैन्य विचारक का कथन है कि राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, ठीक है। तो किसने कहा ये, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, मौत से लेनिन, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो ये मौत से कथन है क्योंकि इसमें हम मौत से के बारे में पढ़ेंगे। मौत से तुंग इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत तुंग से संबंधित है, कौन सा सिद्धांत तुंग ने दिया है? तो तानाशाही का सिद्धांत, क्रांति सिद्धांत, व्यक्ति पूजा का सिद्धांत। तो जो क्रांति का सिद्धांत है वो मात्से तुंग का है या मात्से तुंग से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा थर्ड, माओ यानी कि मात्से ने विश्व में किस प्रकार की क्रांति की स्थापना करने का विचार किया या किस प्रकार की क्रांति की स्थापना करना चाहता था, सांस्कृतिक, आर्थिक या फिर राजनैतिक। इसमें एक ऑप्शन और है आपका, उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन आपको लग जाएगा बी, आर्थिक क्रांति को स्थापना करना चाहता था कौन, मात्से। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, वीडियो आप पूरा वॉच करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जरूर और दोस्तों को जोड़ें, आप भी जुड़िएगा। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको सिर्फ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना है और जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। 4th सेमेस्टर में आपकी पॉलिटिकल चल रहा है, आपका इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट होने वाला है, उसे देख सकते हैं आप लोग जाके विजिट करके। और आपका ये भी चल रहा है, सोशियोलॉजी भी शुरू हो रहा है। माओ क्रांतिकारी युद्ध में किस प्रकार की गतिविधियाँ स्वीकार करता है, ये जो माओ क्रांतिकारी युद्ध में किस प्रकार की गतिविधियाँ स्वीकार करता है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे 4 दिए हुए हैं, तो 2 तो यहाँ पर हैं, 2 आगे होंगे। तो राजनीतिक शक्ति की, वार्तालाप की, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है आक्रमण की गतिविधि या फिर पूर्ण विनाश की, तो ये सी वाला ऑप्शन आ जाएगा, आक्रमण की गतिविधि स्वीकार करता है माओ, किसमें, क्रांतिकारी युद्ध में। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, माओ का समाजवादी क्रांति का सिद्धांत क्या बतलाता है, जो माओ ने समाजवादी की क्रांति का सिद्धांत दिया है वो क्या, किसकी व्याख्या करता है, शत्रु का विरोध करना, शत्रु को कमजोर करना, कृषक वर्ग को महत्व देना। और आपका 5वां है, सॉरी 4था है इसमें ऑप्शन, शत्रु वर्ग पर हमला करना। तो शत्रु को हमला करना, शत्रु पर हमला करना, यही इसका कथन बतलाता है। अगला क्वेश्चन है, माओ किस प्रकार के संघर्ष का समर्थक था, पूर्ण संघर्ष का, सशस्त्र संघर्ष का। आगे आपके 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, परंपरागत संघर्ष का या फिर व्यापक युद्ध, तो यहाँ पर व्यापक युद्ध आ जाएगा। बाई दावे अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप अपने आप मैच थोड़ा मैच कर सकते हैं, मैंने काफ़ी कोशिश की है कि कोई मिस्टेक ना हो, फिर भी बाई दावे हो सकती है तो थोड़ा आप अपना चेक कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पे एक बार जरूर विजिट करें आप लोग। माओ का कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कब चुना गया, यानी माओ को जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका अध्यक्ष कब चुना गया था, तो यहाँ पर आपका टाइम दिया हुआ है, सन 1930 में, सन 1931 में, सन 1932 में। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन 4था है,
सन 1934 में, यानी सन 1934 में माओ त्से तुंग को जो है कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, गोरिल्ला युद्ध की सफलता हेतु माओ ने कितने सिद्धांत बतलाए हैं। ठीक है, गोरिल्ला युद्ध की सफलता कैसे हम लें, तो उसके बारे में कुछ सिद्धांत दिए, तो कितने सिद्धांत दिए हैं, 6, 8 यानी 8 सिद्धांत या 6 सिद्धांत। अभी दो क्वेश्चन और हैं आपके, इसमें ऑप्शन 10 सिद्धांत या फिर 12, तो यहाँ पर 10 सिद्धांत दिए इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, ऑन द प्रोडक्ट बार जो पुस्तक है वो किस सनचिंतक ने लिखी है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, माओ ने, जनरल फुलर, यहाँ पर फुलर आएगा, ठीक है, फुलर, जनरल फुलर ने, जनरल मैकिंडर ने, तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो ये ऑप्शन रहेगा, माओ ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्रांति का जन्म युद्ध के पश्चात सफलता के परिणाम स्वरूप नहीं बल्कि युद्ध के विभिन्न चरणों से होता है, ये किसका कथन है या किसने ये कथन स्टेटमेंट दिया है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फुलर, माओ, जनरल मिचेल, उपरोक्त सभी, तो माओ बी ऑप्शन आपका रट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रिलियंट टेस्ट, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये फैलाव यानी कि डिस्प्रेशन, संकेंद्रण, कंसंट्रेशन एंड सुरक्षात्मक संयोजन यानी कि अलर्ट शिफ्टिंग की किस सैन्य अधिकारी की एक योजना बनाई गई है, किसने बनाई है ये, तो आइए वो देखते हैं। लिटिल हार्ट, माओ ने, जनरल मिचेल ने, तो माओ ने बनाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक माओ का जन्म किस देश में और कब हुआ, तो आप देख लेते हैं यहाँ पर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो कहाँ इनका जन्म हुआ था, दक्षिण कोरिया सन 1896 में, जापान सन 1899, चीन सन 1893, मंगोलिया सन 1891, तो राइट जाएगा सी वाला ऑप्शन, चाइना के ये है। अगला, किसको सन 1934 में कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, टी यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, जनरल मिचेल हैं, जनरल फुलर हैं, और फिर आपके हैं माओ, माओ त्से तुंग और लेनिन, तो माओ त्से तुंग को जो है 1934 में कम्युनिस्ट पार्टी का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि गोरिल्लों को ये विश्वास है कि वे युद्ध नहीं लड़ पाएंगे तो उन्हें वह स्थान तुरंत छोड़ देना चाहिए, ये कथन किस सैन्य अधिकारी का है, किस सैन्य विचारक का है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, जनरल लिडेल, लेनिन, माओ, जनरल ब्यूफरे, तो इसी वाला ऑप्शन हट जाएगा, जनरल माओ। अगला क्वेश्चन है, कोई भी युद्ध बिना तैयारी के मत लड़ो और उस युद्ध को भी मत लड़ो जिसमें विजय प्राप्ति के अवसर कम हो, यानी कि माओ के अनुसार है कि उस युद्ध को मत लड़ो जिसमें आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते और उसको ही मत लड़ो जिस पर विजय प्राप्ति के आपके अवसर कम हों, तो यह आंसर किसने दिए या इसका जो स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन, कौटिल्य, मिशेल, माओ, फुलर, तो सी वाला ऑप्शन हट जाएगा, माओ त्से तुंग का है स्टेटमेंट ही, और माओ त्से तुंग के लिए शॉर्ट में माओ बोलते हैं। युद्ध में हमारा लक्ष्य शत्रु की प्रभावशाली शक्ति को छीन करना होता है, होना चाहिए, ना कि शहर या स्थान पर अधिकार करना, मतलब इनके अनुसार ये है कि अगर हम युद्ध करते हैं किसी से तो उसकी सेना की शक्ति को छीन कर दें, ना कि उसके स्थान या जगह पर हम अधिकार करें, तो किसने स्टेटमेंट दिया, ये पंडित नेहरू का है, माओ का है, जनरल भुरे का है, लिटिल हार्ट का है, तो माओ ने स्टेटमेंट दिया ये। सैनिक शक्ति के द्वारा सत्ता को प्राप्त करना, प्रत्येक समस्या को युद्ध के द्वारा सुलझाना, यह क्रांति का मुख्य कार्य है और उसका सबसे उत्कृष्ट स्वरूप है, तो ये कथन किसने दिया है, किसका स्टेटमेंट है ये, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर हार्ट यानी लिटिल हार्ट, इनको लिटिल हार्ट कहते हैं, लिटिल हार्ट, माओ त्से तुंग, तो यही इन्होंने ही आंसर दिया है, मतलब यह स्टेटमेंट दिया है, ये इन्हीं का कथन है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है हमारा, बिफरे यानी कि बिखरे शत्रु सेना समूह पर
पहले हमला करूँ, यानी पहले आक्रमण करूँ तथा केंद्रित शक्तिशाली पर उस समय आक्रमण मतलब कुछ समय बाद में करूँ, यानी जो सैनिक बिखरे हुए होते हैं उन पर आक्रमण हमें पहले करना चाहिए और जो संगठित हैं उनको उन पर आक्रमण बाद में करें। तो ये कथन किसका है? तो यहाँ पर आइए देखते हैं, जनरल चे गुवारा, जनरल संतजू, मात्सेका या फिर विफुरे। तो मात्सेका ये स्टेटमेंट है जो कि एकदम राइट है। और क्वेश्चन नंबर 19 है, मात्से ने गोरिल्ला युद्ध में सफलता प्राप्ति के लिए कितने आधारभूत तत्वों की व्याख्या की है? तो इसमें आधे लेते हैं, कितने आधारभूत तत्व बताए इन्होंने? ऑप्शन दे रहे हैं 8, 9, 10, 11। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें रट जाएगा, 8 आधारभूत तत्वों की व्याख्या की है मात्से ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, माओ ने छापामार युद्ध के संचालन एवं समापन हेतु कितने आयामों को प्रतिपादित किया है, ये कितने आयाम बताए हैं? तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 9, 8, 4। एक ऑप्शन और दिया हुआ है आपका, वो दिया है 3। तो यही आंसर है, 3 आयाम बताए इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र संघर्ष के अभाव में सदैव उद्यमियों का शासन रहेगा और ना ही कोई साम्यवादी दल होगा और ना क्रांति में कोई विजय प्राप्त होगी। तो ये कथन किसका है कि यदि सशस्त्र संघर्ष ना किया जाए तो जो उद्यमी हैं, जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, संपत्ति वाले हैं, तो फिर उन्हीं का ही शासन चलेगा, ठीक है, और कोई क्रांतिकारी, कोई साम्यवादी दल नहीं होगा। तो ये विचार किसका है? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जनरल मिचेल, लनर फुलर, माओ का, आंद्रे का। तो सी माओ का, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देश के समस्त नागरिकों के सहयोग से मानवता के विशाल हम विशाल समुद्र की रचना करेंगे या विशाल समुद्र का निर्माण करेंगे और उसमें दुश्मन को डुबा देंगे या फिर दबा देंगे। तो ये कथन किस विचारक का है? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें जनरल फोस्टर, सॉरी जॉन फोस्टर हैं, माओ तुंग हैं, जनरल मिचेल हैं, जनरल फुलर हैं। तो माओ तुंग। माओ तुंग कितने मूल सदस्यों, माओ तुंग ने कितने मूल तत्वों का उल्लेख किया है? 2, 3, 4। इसमें एक और है, तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है रट जाएगा, इन 3 मूल तत्वों का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा कि युद्ध अभियानों के बीच में मिले हुए समय का उपयोग विश्राम करो, विश्राम करने, प्रशिक्षण लेने और अपने समूह को संगठित करने के लिए करो? तो किसने है? युद्ध के बीच में जो समय मिलता है उसमें हमें रेस्ट करना चाहिए और प्रशिक्षण भी लें, साथ ही अपने समूह को संगठित भी करें, उस पर भी विचार करना चाहिए। तो ये कथन किसका है? यहाँ पर देख लेते हैं, जेसी फुलर, हरकाबी, माओ, जनरल डुहेट। तो ये माओ का है। और अगला वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर नोट ऑफ मतलब दबाइए आल पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको मिल सके मैं